हेलो बच्चों, आज हम दुख का अधिकार पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको यशपाल जी ने लिखा है। यशपाल जी 1903 में फिरोजपुर छावनी में कैंटोनमेंट में पैदा हुए थे। उनकी आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। बाद में वो हायर एजुकेशन के लिए लाहौर गए, क्योंकि इंडिया के उस वक्त पार्टीशंस नहीं हुए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं थी और सारे देश एक सही थे दोनों। तो उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जो है लाहौर में प्राप्त की थी। यशपाल जी की एक आत्मकथा है सिंहावलोकन, वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। कभी आपको मिले तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। दुख का अधिकार। दुख का अधिकार में जो शुरुआत की है वो यशपाल जी ने एक अपना जो एक सेल्फ असेसमेंट होता है फिलोसफिकल वे में दिया है, कि किस तरह से हमारी सोसाइटी का जो माइंड सेट है वो कपड़ों के हिसाब से ऊपर और नीचे होता रहता है। किस तरह से लोग हमको देखते हैं, किसके कपड़े कैसे हैं, उसी हिसाब से हमें इज्जत मिलती है। लेकिन कपड़ों के आधार पर ही लोग ये भी तय करते हैं कि आप किससे बात कर सकते हैं ओपनली और किससे नहीं कर सकते। जैसे खुद के लिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, तो वो एक गरीब औरत से बात करने में झिझक रहे थे, क्योंकि वो ज़मीन पर बैठे हुए खरबूजे बेच रही थी और रो रही थी। तो पहला पैराग्राफ जो है वो पोशाक के ऊपर बताया है, उसमें कटी पतंग का भी उदाहरण दिया है। और ये चर्चा की गई है कि समाज आपको आपकी जो पोशाक है उसके हिसाब से देखता है, कि आपके पास कैसे कपड़े हैं और आपका रुतबा क्या है। तो उस चीज़ को उन्होंने नरेट किया है, बहुत वेल नरेट किया है। अब ये जो पाठ शुरू होता है वो इसी बात से शुरू होता है कि यशपाल जी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, वो बाज़ार में जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत कुछ टोकरी में खरबूजे रख के बैठी हुई है, और उसका लेकिन खरबूजे बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो घुटनों पर सर रख के फक 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 के रो रही है। और बाज़ार में जो लोग खड़े हैं वो उसको बहुत घृणा की नज़र से देख रहे हैं, और उसके रोने पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देख के यशपाल जी का कौतूहल और बढ़ गया, और वो बोल सोचने लगे कि ये औरत रो रही है और लोगों को इस पर दया नहीं आ रही। तो ऐसी क्या बात हो गई, कितने सारे लोग इसको इतनी हिकारत भरी इतनी घृणा की नज़रों से देख रहे हैं। अच्छा खासा बाजार था, लंबा चौड़ा बाज़ार था, और सारे लोग बहुत ही घृणा की दृष्टि से उसे देख रहे थे। और एक आदमी ने तो उसको बड़ी अजीब से थूकते हुए कहा कि इसका जवान लड़का जो है मरा नहीं है और ये बेशरम औरत यहाँ दुकान लगा के बैठ गई। फिर एक आदमी जो थे उन्होंने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा कि जैसी नीयत होती है वैसी बरकत देता है ऊपर वाला। अच्छा, एक आदमी जो है अपना कान खुजाते हुए कहता है कि उसने बहुत ख़राब ख़राब बातें कहीं, कि ये लोग तो रोटी के टुकड़े पे जान देते हैं, घर में नहीं बैठ सकते, इन लोगों के लिए तो कोई धर्म ही नहीं है, ईमान नहीं है। तो वहीं एक परचूनी वाले लाला जी जो थे वो सूतक को रोने बैठ गए कि कोई मरता है तो इतने दिन का सूतक होता है, उससे कोई चीज़ खरीदनी नहीं चाहिए, धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे आके खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई। हज़ारों लोग आते हैं, किसको पता है किसके घर में सूतक लगा है, और वो इसे खरबूजे खरीदेंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो अब लेखक जो थे उनकी क्यूरियोसिटी जो है, कौतूहल जो है बढ़ता जा रहा था। कैसी क्या बात है कि लोग इतनी खराब खराब बुरी बुरी गंदी गंदी बातें इस औरत के बारे में कह रहे हैं, और वो बेचारी बैठ के सिर्फ रो जा रही है, उसका खरबूजे बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब लेखक जो थे उनको भी थोड़ा सा हैरानी हो रही थी, तो उनका कौतूहल बढ़ा, तो उन्होंने इधर उधर से इंक्वायरी शुरू की, बातचीत शुरू की। तो पता चला कि उस जो औरत का एक 23 साल का लड़का था जिसका नाम भगवाना था, और वो एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पे खेती बाड़ी करके खरबूजे उगाता था, मौसमी फल जिसे कहते हैं कचियारी वो करता था। और वो सुबह सुबह 4-5 बजे के करीब खरबूजे तोड़ने के लिए गया था, और तभी वहाँ पे तराई में जैसे गीली जगह पे सांप आ जाते हैं ठंडक के लिए बैठने के लिए, उसने उसके पैर में काट लिया और वो वहीं पे तड़प तड़प के गिर गया। अब बुढ़िया को जब ये बात पता चली तो उसने जो है ओझा झाड़ फूंक वाले को बुला के लेकर आई और बहुत मेहनत करी कि जो है किसी तरह से जो है वो बच जाए उसका लड़का, क्योंकि घर में बहू भी थी, बच्चे भी थे छोटे छोटे, लेकिन वो बच नहीं पाया। और जो आटा दाल जो भी था घर में वो पूजा पाठ में निकल गया। और लड़के का जब अंतिम संस्कार हुआ तो भाई कफन भी नया आएगा, उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ भी आएंगी, तो अंतिम संस्कार काफ़ी महंगा बैठता है। तो उसमें जो है उसके हाथ के जो थोड़े बहुत जेवर थे हाथ पैर के वो भी बिक गए थे, और उसके घर में कुछ भी नहीं बचा था।
इधर क्या हुआ कि लड़के की बहू को बहुत जोर का फीवर आ गया, बुखार आ गया। अब बच्चे भूखे थे सुबह से, घर में तो यही ड्रामा चल रहा था कि लड़का मर गया, उसकी झाड़ फूक हुई, फिर उसका अंतिम संस्कार हुआ, बच्चे भूख से बिलखने लगे। तो बुढ़िया ने क्या किया कि वो खरबूजे में से ही थोड़े से खरबूजे उनको खाने के लिए दे के बाकी समेट के वो बाज़ार में बेचने के लिए आके बैठ गई, क्योंकि घर में एक रुपया भी नहीं था। लेकिन उसकी साथ सहानुभूति भूति ना दिखा के लोगों ने उसके लिए 10 उल्टी सीधी बातें कहनी शुरू कर दी। तो लेखक को जब ये बात पता चली तो लेखक को ध्यान आया कि उनके शहर में एक बहुत अमीर औरत थी, उसके साथ बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल सेम हादसा हुआ था कि उसका जवान लड़का मर गया था और जो है वो 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठी थी। तो लेखक को लगा कि ऐसा कितना बड़ा दुख था उस औरत को कि 2-2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठी, हर 15 मिनट में बेहोश हो जाते थे, 2-2 डॉक्टर थे, सर पे बर्फ की पट्टियाँ रखी जाती थी, सारी दुनिया से लोग देखने के लिए आते थे कि हाय बेचारी का लड़का ख़त्म हो गया। और क्योंकि वो बहुत अमीर थी तो 2-2.5 महीने तक वो बिस्तर पर ही रही, वो उठी ही नहीं बिस्तर से, उसकी सेवा की जाती थी, टहल की जाती थी, उसने इतना दुख मनाया कि लोग चर्चा करते थे। तो लेखक को अब ये बूढ़ी औरत को देख के ये ध्यान आया, गरीब औरत को देख के ध्यान आया कि वो अमीर औरत का बेटा मरा, तो उसने आराम से बैठ के शोक मनाया, बिस्तर पे बैठ के डॉक्टरों की देख रेख में शोक मनाया। और ये गरीब जिसके घर में एक दाना खाने के लिए नहीं था, इसको इतना भी अधिकार नहीं कि घर में बैठ के शोक मना ले, ये सीधा खरबूजे आके यहाँ पे बेचने लगी। इतनी असहाय इतनी भाग्यहीन औरत थी कि इसको इतना अधिकार ऊपर वाले ने नहीं दिया कि ये अपने जवान लड़के को थोड़ी देर बैठ के सुकून से रो भी ले कि हाँ लड़का मर गया। तो लेखक ने समाज की विसंगतियों की तरफ इशारा किया है कि गरीब आदमी किसी भी हाल में हो उसको घर से बाहर कमाने के लिए निकलना ही पड़ता है, अमीर आदमी का दुख हो सुख हो वो हर चीज़ का अधिकारी है, वो सुख मनाने का भी अधिकारी है, दुख मनाने का भी अधिकारी है, उसको सब तरह की सहूलियत होती है। लेकिन गरीब आदमी जो होता है उसको इतना मौका नहीं मिलता कि वो घर में बैठ के दुख भी मना ले, उसको घर से बाहर काम करने के लिए निकलना ही पड़ता है। चैप्टर बहुत अच्छा लिखा गया है, समाज की विसंगतियाँ बताई गई हैं, और क्योंकि आप लोग थोड़े बड़े हो रहे हैं तो आप लोगों को बताया है कि समाज में कितनी तरह की दुश्वारियाँ होती हैं। ज़िंदगी में पैसा पास होता है तो अच्छे से दिन कट जाते हैं, पैसा पास नहीं होता है तो एक एक पैसे को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये भी नहीं देखना पड़ता कि भाई घर में कोई मर गया है तो घर में बैठ जाए, नहीं बाहर निकलना ही पड़ता है। बहुत अच्छा चैप्टर है और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपका सारा ही सिलेबस बहुत अच्छा है। मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।